इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अभी अभी आरएएस 2024 भर्ती को लेकर एक नोटिस जारी किया है। क्या है नोटिस, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर आरएएस एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी वो सबसे पहले देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं आरएएस के। कल जैसे एक नोटिस जारी किया गया था, उसी तरह आज और एक प्रेस नोट जारी किया है। क्या नोटिस है, इसके बारे में चर्चा करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि आरएएस भर्ती परीक्षा से जुड़ी मैं कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आप देख सकते हैं आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा प्रेस नोट जारी किया है आज की डेट में, यानी कि 17 सितंबर 2024 की डेट में जारी किया है, जिसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि समाचार पत्र दैनिक भास्कर जोधपुर संस्करण में दिनांक 17/9/2024 को छपी खबर में यह लेख है कि राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 2/9/2024 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/9/2022 के अनुसार जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2020 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31 दिसंबर 2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा, संबंधी प्रावधान का विज्ञापन में उल्लेख नहीं किया गया। यानी कि आरपीएससी ने नोटिस जारी किया, आरएएस 2024 जो भर्ती परीक्षा है उसका जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया है उसी को लेकर नोटिस जारी किया है कि दैनिक भास्कर में खबर छपी थी 17/9/2024 को, यानी कि आज की डेट में अखबार में न्यूज चली थी जिसमें लिखा हुआ था कि राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 हेतु जारी विज्ञापन, जो कि विज्ञापन 2 सितंबर 2024 को जारी किया गया था, उसमें कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना थी 23 सितंबर 2022 की अधिसूचना क्या थी, तब की अधिसूचना यह थी कि जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2020 को आयु सीमा के भीतर था वो 31 दिसंबर 2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा, ऐसा प्रावधान विज्ञापन में कहीं पर भी देखने को नहीं मिला, ऐसा दैनिक भास्कर समाचार पत्र का कहना है। तो इस पर आरपीएससी ने क्या जवाब दिया, उसके बारे में जानने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आरएएस एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं इस पर इन्होंने लिखा कि इस संबंध में ये उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए संबंधित सेवा नियम 1999 के अनुसार आयु गणना का आधार दिनांक 1/1/2025 रखा गया। यानी कि इनका कहना है कि इन्होंने जो आरएएस 2024 परीक्षा के लिए नोटिस जारी किया था तो उसमें संबंधित सेवा नियम 1999 के अनुसार आयु गणना का जो आधार है वो इन्होंने 1 जनवरी 2025 का रखा है। उक्त भर्ती में आयु गणना का आधार दिनांक 1 जनवरी 2025 होने के कारण अधिसूचना दिनांक 23 सितंबर 2022 द्वारा देय आयु सीमा में छूट संबंधी प्रावधान इस भर्ती में निष्प्रभावी है। यानी कि जो 23 सितंबर 2022 को अधिसूचना जारी की गई थी आयु सीमा को लेकर वो इस भर्ती में निष्प्रभावी है, क्योंकि इन्होंने जो आयु गणना का आधार है वो 1 जनवरी 2025 के आधार पर रखा है। आगे लिखा है इसी कारण उक्त भर्ती के विज्ञापन में इस प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया। इस वजह से जो आरएएस का नोटिफिकेशन आपके 2 सितंबर को जारी हुआ था तो उसमें आपको ये देखने को नहीं मिला आयु सीमा को लेकर, जो कि 31/12/2022 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31/12/2024 तक भी आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा, इसका उल्लेख विज्ञापन में इस वजह से नहीं किया गया। आगे लिखा है उक्त भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 2 फरवरी 2025 को किया जाना संभावित है। जैसा कि आपने देखा होगा आरएएस 2024 एग्जाम की एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है, इस परीक्षा का जो आयोजन है वो आपके 2 फरवरी 2025 में किया जा रहा है। परीक्षा तिथि घोषित किए जाने के संबंध में भी प्रेस नोट दिनांक 4 सितंबर 2024 को ही जारी कर दिया गया था, और ये प्रेस नोट आपके जैसे कि 2 सितंबर को एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था आरएएस का और 4 सितंबर को आपके एग्जाम डेट का भी प्रेस नोट जारी हो गया था। अब आगे और भी आरएएस एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन नहीं किया तो नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। नेक्स्ट लिखा हुआ है संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 के पदों हेतु जारी विज्ञापन में
अधिसूचना दिनांक 23/9/2022 के अनुसार इसलिए छोड़ दी गई थी क्योंकि संबंधित सेवा नियम 2015 के अनुसार आयु गणना का आधार दिनांक 1/7/2024 रखा गया था। अब यानी बहुत को डाउट होगा कि संस्कृत शिक्षा विभाग की जो प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 थी और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 के विज्ञापन में तो छूट दे रखी थी, उसमें विज्ञापन में छूट इसलिए दे रखी थी क्योंकि उसमें जो अधिसूचना है वो 23/7/2022 के अनुसार इसलिए छूट दी गई थी क्योंकि उसमें संबंधित सेवा नियम जो है वो 2015 के अनुसार थे जिसमें आयु गणना का जो आधार है वो 1 जुलाई 2024 को रखा गया था, इस वजह से उसमें छूट दी गई है। तो ये था आपके आरएएस 2024 की आयु सीमा को लेकर नोटिस जारी किया गया था जो कि अभी अभी आरपीएससी द्वारा आज की डेट में ही जारी किया गया था। इसी तरह आरएएस एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि आरएएस एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।